हेलो गाइस, आज मैंने कुछ उड़न से वॉच ऑर्डर दिया है, स्मार्ट वॉच। इसका बॉक्स देख सकते हैं, इसमें थ्री पीस वॉच है स्मार्ट वॉच। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे पास साकू नहीं है, एक रुपये के सिक्के से ही अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं हाथों से ही इसको अनबॉक्सिंग करता हूँ। तो इसका बॉक्स देख सकते हैं। आपका अगर शॉप है तो आप होलसेल में उड़न से सामान ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उड़न जो है कभी कभी सामान खराब भेज देते हैं, गलत भेज देते हैं, रॉन्ग आइटम भेज देते हैं, तो ये घर पर है। तो आप अगर शॉपिंग करते हैं और अगर लेना चाहते हैं तो आप ध्यान से लीजिए इस उड़न ऐप से। लेकिन इस बॉक्स में हमें क्या सामान मिलता है, खराब या अच्छा, तो बॉक्स खोलने की बात ही हमें पता चलेगा। तो इसको बॉक्स को हम लोग ओपन कर रहे हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा, मोबाइल रिलेटेड अनबॉक्सिंग वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देख सकते हैं इसमें हमें बिल मिलता है और ये कुछ पैकेजिंग के लिए सामान डैमेज ना हो इस वजह से स्टिकर है क्या, नहीं स्टिकर नहीं है, क्या है पता नहीं क्यों दिया है। तो इसको साइड में रखते हैं। पहला वॉच मैंने ओपन कर लिया और बॉक्स जो है बहुत ही ख़राब तरीके से दिख रहा है, गंदा सा दिख रहा है और ये वॉच जो है ऑन नहीं हो रहा है। मैंने पहले भी बोला था उड़न जो है ख़राब प्रोडक्ट भी भेज देता है, ये वॉच ऑन नहीं हो रहा है। तो इसके पास चार्जर दिया है, ये चार्जिंग करके देखूँगा इसको बाद में। तो देख सकते हैं वॉच ये ऑन नहीं हो रहा है और बॉक्स जो है बहुत ही ख़राब है, गंदा दिख रहा है, मतलब कस्टमर आपका नहीं लेगा ये गंदा सामान। तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं। ये भी वॉच ऑन नहीं हो रहा है, ये भी हमें ख़राब दे दिया है, लेकिन सर्च करके देखूंगा शायद ये ऑन हो जाए। और दूसरा वॉच भी और तीसरा वॉच भी ओपन करके देखता हूँ। तो इसमें हमें स्टिकर मिल जाता है, बाकी वॉच में हमें स्टिकर कोई नहीं मिलता, ये खोला ओपन नहीं हुआ है। तो ये भी ऑन नहीं हो रहा है, तो ये भी खराब वॉच हमें दे दिया है, देख सकते हैं। इन वॉच को मैंने बहुत टाइम चार्जिंग पे लगाया और ये वॉच जो है ऑन हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसका डिस्प्ले क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, आप अगर लाइटिंग में जाते हैं तो इसका डिस्प्ले दिखता ही नहीं है। तो देख सकते हैं इस वॉच को, तो इस वॉच को रख देते हैं, नेक्स्ट वॉच को देखते हैं। तो इस ये जो वॉच जो है इसका जो स्पीकर ख़राब है, बाकी ठीक ठाक है। स्पीकर इसमें नहीं चलता है, कोई साउंड नहीं आता है इस वॉच में। और लास्ट में जो ये जो वॉच जो है ये पूरी तरफ से ख़राब है, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। मैंने बहुत टाइम इसको चार्जिंग में लगा दिया, अभी भी ऑन नहीं हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो वॉच है पूरी तरफ डेड वॉच हमें दे दिया है, तो इसको रिटर्न करना पड़ेगा सारे सामान को। इसका बॉक्स देख सकते हैं, बहुत ही ख़राब बॉक्स तरीके से गंदा बॉक्स दे दिया है, क्योंकि हम जो ये बेचने के लिए लाते हैं उड़न से और ऐसे ख़राब बॉक्स देते हैं, गंदा सा बॉक्स, तो कस्टमर नहीं लेगा, आप लोग भी जानते हैं। तो इसको ये सामान को रिटर्न करना पड़ेगा और मैंने इस सामान को रिटर्न में लगा दिया और रिटर्न नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों रिटर्न को रिजेक्ट कर दे रहा है। और ऑफिस से भी फ़ोन किया तो उसने कहा है आपका सामान जो रिटर्न नहीं होगा, मतलब क्यों, आपके जो टर्म एंड कंडीशन में जो है लिखा था कि आपका सामान होगा ख़राब है तो आप रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा सामान रिटर्न नहीं ले रहा है ये उड़न। तो आप लोग देख सकते हैं ये उड़न जो है बहुत ख़राब हो गया है अभी। तो आप अगर उड़न से शॉपिंग उड़न से अगर सामान लेते हैं तो आप बहुत रिस्क करके ले रहे हो। उड़न ने मुझे तो ठग लिया, आपको ना ठगे, इसलिए ये मैंने वीडियो बना दिया क्योंकि उड़न जो है अभी रिटर्न नहीं ले रहा है सामान को। तो आप अगर उड़न से शॉपिंग करते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।